हेलो एवरीवन, आज मैं चाइनीज न्यू ड्रामा गो इनटू योर हार्ट की एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस ड्रामा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही बच्चा सरवाइव कर पाया था। उस बच्चे के पेरेंट्स की तो यहीं पर ही डेथ हो गई थी और ये बच्चा हमारा गो गेमर स्टार जिंग चू था। पेरेंट्स की डेथ से उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही बेरंग हो गई थी और तभी उसको एक लड़की ने कैंडी भी दी थी जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन लीड जिंग चू को देखते हैं जो अपनी इन सब मेमोरीज को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम इस ड्रामे की फीमेल लीड चेंग लियाओ को देखते हैं जो एज अ रिपोर्टर एक कंपनी में जॉब करती है। फिर तभी वहां पर उनकी मैम मिस लियू की एंट्री होती है। चेंग लियाओ की कॉलीग फ्रेंड उसे मिस लियू से छुपने का कहती है, लेकिन मिस लियू की आंखें तो उकाब से भी ज्यादा तेज होती हैं और वो तो चेंग लियू को देख लेती हैं और उसे अपने ऑफिस आने का कहती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंग लियाओ मिस लियू के ऑफिस में खड़ी होती है और मिस लियो उसे गो इलाइट टूर्नामेंट जाने का कहती हैं, लेकिन चेंग लियाओ तो आगे से उधर ना जाने के 100-100 बहाने बनाना स्टार्ट कर देती है और इस बात पर उसे मिस लियो से अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। और फिर हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि चेंग लियाओ की एक सिस्टर चेंग यी भी इसी फील्ड से बिलोंग करती है और वो बहुत अच्छी एंकर है और किसी और कंपनी में जॉब करती है और उसी की रेफरेंस से चेंग लियाओ को इस कंपनी में जॉब पर रखा गया है। और मिस लियो इस बात पर भी उसे अच्छी खासी बातें सुनाती हैं कि वो तो बिल्कुल ही अपनी सिस्टर के ऑपोजिट है और साथ में उसे एक टास्क देती हैं कि वो गो गेमर स्टार जिंग चू का इंटरव्यू लेकर आए। तो चेंग लियाओ तो ये टास्क एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसके पास अपनी सेल्फ को प्रूव करने का बस एक यही तरीका रह गया था। फिर बाद में उसकी कॉलीग फ्रेंड उसे बताती है कि जिंग चू ने पहले कभी भी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया है, अब सिर्फ तुम ही वो वाहिद पर्सन होगी जो उसका पहला इंटरव्यू लोगी। चेंग लियाओ तो ये सुनकर कहती है कि ये मिशन तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको यकीन दिलाती है कि वो जरूर अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होगी। आखिर उसकी सिस्टर ने भी तो उसके साथ होना है, मीन कि उसकी सिस्टर भी उस प्लेस पर जा रही थी। दूसरी तरफ हम काओ शाई ही को देखते हैं। ये भी गो गेम प्लेयर है, लेकिन ये जिंग चू से जूनियर है और अब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा उनको अपनी स्किल से इम्प्रेस कर रहा होता है और साथ में उन बिचारों को बहुत बुली भी कर रहा होता है। फिर अचानक उसे उसके फ्रेंड्स याद करवाते हैं कि आज तो उसका कंपटीशन भी है, तो वो तो जल्दी से वहां से चला जाता है। उधर हमारा हीरो आज बस के जरिए ट्रैवल करके कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। फिर उसे शाई ही की कॉल आती है। असल में जिंग चू ने शाई ही के साथ जाना था, लेकिन वो लेट हो गया था, तो इसलिए आज जिंग चू फिर बस पे जा रहा था। काओ उससे यूं लेट होने पर सॉरी भी बोलता है, लेकिन जिंग चू उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। उधर चेंग लियाओ की फ्रेंड उसे जिंग चू के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही होती है के वो तो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, वो तो किसी को लिफ्ट नहीं देता। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि उसने किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया है और ना ही वो इंटरव्यू देना पसंद करता है। चेंग लियाओ तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं तो उसका इंटरव्यू जरूर लेकर रहूंगी, लेकिन अभी तक उसने उसकी पिक तक नहीं देखी होती और बस ऐसे ही अपने मिशन पर चली जाती है। और उधर जिंग चू को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो बस को रोकने का कह रही होती है और वो कोई और नहीं बल्कि चेंग लियाओ होती है।
जिंगजू जब चैंग लियाओ को देखता है वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो तो बस पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर चैंग लियाओ आखिरकार बस में सवार हो ही जाती है और वहां से गिरने लगती है तो जिंगजू उसका हाथ पकड़ लेता है। जिंगजू जब चैंग लियाओ को अपने इतने क्लोज देखता है तो उसकी हार्ट बीट ही तेज हो जाती है और इसी दौरान ही चैंग लियाओ का पास कार्ड भी गिर जाता है और वो इस बात पर बहुत अपसेट होती है। फिर वो नोट करती है कि जिंग चाओ तो बस उसको ही देखे जा रहा है तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है। अब उसे ये भी नहीं पता था कि आज वो जिसका इंटरव्यू लेने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि यही जिंगजू गो गेमर स्टार है। तभी वहां पर एक औरत चिल्लाती है कि उसका फोन गुम हो गया है और वो फोन किसी ने जिंगजू की पॉकेट में डाल दिया था। जब सब लोग ये देखते हैं तो वो लोग उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। चैंग लियाओ भी उसे चोर ही समझ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे हीरो साहब पुलिस स्टेशन में आए बैठे होते हैं। चैंग लियाओ तो पुलिस से कहती है कि इसे तो अच्छी खासी सजा दीजिएगा और वो तो उसे चोर ही समझ रही होती है। लेकिन जिंगजू उन्हें कहता है कि वो चोर नहीं है। लेकिन चैंग जियाओ तो उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर ऑफिसर सीसीटीवी कैमरा में उस चोर को देख लेते हैं लेकिन वो उस चोर को सही से फाइंड नहीं कर पाते हैं और उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि चोर जिंगचू बिल्कुल भी नहीं है। और जिंगचू अपनी इंटेलिजेंसी से चोर को फाइंड करने में उनकी हेल्प भी करता है और उनको चोर की सारी तफसीलात बताता है। असल में बस में जिंगचू की उस चोर के साथ टक्कर भी और तभी उस चोर ने वो मोबाइल जिंगचू की पॉकेट में डाल दिया था। और अब जब सीसीटीवी कैमरे में जिंगचू उस शख्स को देखता है उसे तो पता चल जाता है कि ये वही चोर है। उधर चैंग लियाओ को पास ना होने की वजह से गार्ड एंटर नहीं होने देते। चैंग लियाओ की सिस्टर चैंग ये भी इंटरव्यू के लिए इसी प्लेस पर आई होती है और तभी उसे उसकी सिस्टर चैंग लियाओ की कॉल आती है और वो उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसका पास गुम हो गया है। तो वो अब उसकी इस प्लेस में एंटर होने के लिए उसकी हेल्प करने को कहती है। फिर उसकी सिस्टर को उसे अपनी कंपनी का पास देने का आइडिया आता है और चैंग लियाओ को यूं केयरलेस होने की वजह से अपनी सिस्टर से डांट भी पड़ जाती है। फिर चैंग लियाओ चैन जी की कंपनी का कार्ड यूज करके एंटर हो ही जाती है और वो वहां पर जिंगजू का पोस्टर देखकर काफी हैरान होती है और साथ में परेशान भी। और जब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गो गेमर स्टार जिंगजू है उसके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। और फिर यहाँ पर जिंगजू की एंट्री भी हो ही जाती है और वो वहां पर जब चैंग लियाओ को देखता है तो वो उसके पास आता है। चैंग लियाओ तो फौरन से मास्क लगा लेती है और उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती और जिंगजू की बात सुने बगैर वहां से जाने का करती है। लेकिन जिंगजू को तो वो बहुत अच्छे से याद थी। चैंग लियाओ ये बात अपनी सिस्टर से भी शेयर करती है तो वो उसे जिंगजू को अवॉइड करने का कहती है कि कहीं जिंगजू गुस्से में आकर उसे पनिशमेंट ही ना दे दे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगजू और उसके ऑपोजिट प्लेयर जाए की गेम स्टार्ट हो गई होती है और चैंग लियाओ भी चैंग यी के साथ बैठी ये गेम देख रही होती है। इस गो गेम में वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के स्टोन्स यूज कर रहे होते हैं और ये गेम बहुत खेलने के बाद इन दी एंड जिंगजू ये गेम जीत जाता है। इधर ही काओ शाई ही भी ये गेम खेल रहा होता है और वो भी ये गेम इजली जीत जाता है। चैंग लियाओ तो फिर जिंगजू की बजाय काओ शाई ही का इंटरव्यू लेने का सोचती है। इंटरव्यू देते वक्त काई शाई ही खुद को एक हीरो की तरह प्रीटेंड कर रहा होता है।
उधर जिंगचू तो आज पहली दफा चैंग लियाओ के लिए उसकी सिस्टर की कंपनी में इंटरव्यू देने आता है। उसे तो यही लग रहा था कि चैंग लियाओ इसी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन जब उसको फील होता है कि चैंग लियाओ तो इस कंपनी में जॉब नहीं करती तो वो तो फिर इंटरव्यू दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। सब लोग इस बात पर बहुत हैरान होते हैं। चैंग लियाओ तो जिंगचू को वहाँ आता देख कर वहाँ से भागने की करती है। उसे यही लगता है कि कहीं वो उस पर गुस्सा ना कर दे, लेकिन जिंगचू तो उसके पीछे भागता है। लेकिन तब तक वो वहां से चली गई होती है और काओ शाही से पूछने पर उसे चैंग लियाओ का नाम और उसके ऑफिस का पता चलता है, क्योंकि चैंग लिंग ने उसे अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम इंटरव्यू लेने से पहले बता दिया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग लियाओ को मिस लियू से बहुत डांट पड़ रही होती है कि उसने जिंगचू का इंटरव्यू लेने की बजाय शाही का क्यों लिया। मिस लियू की बातें तो चैंग लियाओ के दिल पर छुरी की तरह लगती हैं। वो फिर मिस लियू की डांट सुनकर बाहर आ जाती है और इतने में ऊपर से जिंगचू भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। चैंग लियाओ उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिंगचू उसे पकड़ लेता है। चैंग लियाओ को तो यही लगने लगा था कि ये इस पर गुस्सा करेगा और इसको उस हरकत की वजह से पनिशमेंट भी देगा। वो उससे अपोलोजाइज करती है, लेकिन जिंगचू तो उसे पनिशमेंट देने की बजाय एक कैंडी देता है और कहता है कि नाइस टू मीट यू। बिल्कुल ऐसे ही उसे बचपन में किसी लड़की ने कैंडी दी थी। चैंग लियाओ हैरान होकर उसे देखती है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाती है।